गंगा, तुम अपने कल्याणकारी स्वरूप को पहचान क्यों नहीं रही हो? तुम्हारा गौरव आकाश स्वर्ग में वास करने से नहीं, पृथ्वीवासी होने में है। क्या पृथ्वी पर वास करने से पृथ्वी का कल्याण होगा? संपूर्ण देवगण और स्वयं मैं इस सत्य को स्वीकार करते हैं कि धरती पर बढ़ती तामसिकता और आसुरी भाव यदि इसी गति से बढ़ते रहे तो धरती पर जीवन दुभर हो जाएगा। वहां सात्विकता और दिव्यता का प्रचार प्रसार करने और पापियों के प्रायश्चित करने की व्यवस्था करना आवश्यक हो गया है। तो इसमें मैं क्या कर सकूंगी? धरती वासियों का तुम्हारे स्पर्श से उद्धार होगा। तुम पापियों को तारोगी, उनको नया जीवन दोगी। पापियों का उद्धार करने के लिए आपने मुझे ही क्यों चुना जगदीश्वर? मेरे अतिरिक्त क्या कोई अन्य देवता ये कार्य नहीं कर सकता? निसंदेह अन्य कोई नहीं कर सकता। पाप का नाश करने की सामर्थ्य जो तुम्हें प्राप्त है अन्य किसी को प्राप्त नहीं। भगीरथ के पूर्वजों का उद्धार करना तो तुम्हारे कार्य व उद्देश्य की भूमिका मात्र है। तुम्हारा मूल उद्देश्य तो धरती को उपजाऊ करना और युगों युगों से पापी जनों के भीतर बैठी पाप की अग्नि को शांत करना है। फिर उससे क्या होगा जगदीश्वर? तुम्हारी इस कल्याणकारी भावना की महानता से प्रभावित होकर जन जन तुम्हें माता के सम्मान से सम्मानित करेगा। माता का स्वरूप धारण करने पर वात्सल्य भाव से पापी पुत्रों का पाप हरण कर लोगी। तुम्हारे इस मातृत्व रूप के कारण पृथ्वी पर चहुं ओर सदा तुम्हारी जय जयकार होगी। मेरी आज्ञा मानो गंगा और पृथ्वीवासियों की माता बनकर उनका कल्याण करो। भगीरथ, बुलाओ गंगा को। हे मां गंगे, शिवजी ने क्रोधित होकर जो ओंकार भरी तो तीनों लोग कंपित हो गए। तुम्हें उनकी शक्ति का अनुमान हुआ? तो ये शिवजी की ओंकार थी? हाँ, शिवजी की शक्ति का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, वे साक्षात शक्ति हैं। तो अवश्य ही वे मेरे वेग की तीव्रता को सहन कर सकेंगे। अवश्य। मुझे पृथ्वी पर कब जाना होगा प्रभु? शुभ और कल्याणकारी कार्य में विलंब क्यों? तुम्हें तुरंत पृथ्वी की ओर प्रस्थान करना चाहिए। आज्ञा दे जगदीश्वर। गंगा, 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 गंगा। गंगा! तीव्र वेग
तुम्हारे अहंकार का परिचय दे रहा है गंगा, इसे नष्ट करना ही उचित होगा। अपनी शक्ति और वेग के अभिमान में अपना उद्देश्य भी भूल गई तो अब पड़ी रहो सदा सदा के लिए मेरी जटाओं में। अभिमान टूटे तब तक वहीं विश्राम करो। वो कैसे होगा देवेश्वर? मेरा अभिमान तो तब नष्ट होता जब मैं आपके चरणों में गिरती अथवा गिरूं। देवेश्वर, मैं तो आपके मस्तक पर विराजमान हूं, मेरे तो गर्भ में वृद्धि हुई है। ये क्या अनर्थ हो गया भोलेनाथ, ये क्या अनर्थ हो गया? आपने तो माँ गंगा को अपनी जटाओं में बांध लिया। उन्हें धरती पर प्रवाहित करे प्रभु, उन्हें धरती पर प्रवाहित करे। नहीं भगीरथ, नहीं, जब तक गंगा का अभिमान नहीं टूटता ये संभव नहीं। कैसा अभिमान भगवान, कैसा अभिमान? देखा नहीं तुमने, गंगा अपने प्रबल वेग और प्रवाह में हमें भी प्रवाहित करना चाहती थी। उसे अभिमान है कि जगत में कोई भी उसके प्रबल वेग के सामने टिक नहीं सकता। अभिमानी का अभिमान जगत के लिए विनाशकारी सिद्ध होता है, अतः गंगा का अभिमान टूटना अत्यंत आवश्यक है। किंतु देवादिदेव, माँ गंगा जिस कार्य व उद्देश्य से पृथ्वी पर आई है उसका क्या होगा प्रभु? वे जगत का कल्याण और उद्धार कैसे करेंगी भगवान, कैसे करेंगी? भगीरथ, तुमने कभी सुना, देखा अथवा जाना कि किसी अहंकारी और अभिमानी ने किसी का उद्धार अथवा कल्याण किया है? निरंकारी और निराभिमानी ही हित और कल्याण करने की सामर्थ्य रखते हैं। ये कार्य गंगा के वश में नहीं, वो तो अभिमानी है। पर देवाधिदेव, जब तक माँ गंगा आपकी जटाओं से बाहर नहीं आ जाएंगी तब तक ये कैसे ज्ञात होगा प्रभु कि उनका अभिमान भंग हो चुका है? अधिक तर्क करने की आवश्यकता नहीं भगीरथ। शिव भगीरथ के साथ अधिक तर्क वितर्क में नहीं पड़ना चाहते थे, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि गंगा अभिमानी है। उसके इसी अभिमान को खंडित करने हेतु भगवान शिव ने उसे अपनी जटाओं में बांध लिया। जन कल्याण के लिए ये आवश्यक भी था, किंतु माँ गंगा के पृथ्वी पर अवतरित न होने से भगीरथ के साथ साथ परमपिता ब्रह्मा भी दुविधा में गिर गए। भगीरथ का उद्देश्य असफल होता देख इस समस्या के निराकरण हेतु ब्रह्मदेव श्री हरि विष्णु के समक्ष बैकुंठ में पधारे। क्या आपको लगता है कि देवादिदेव मेरे कहने से मान जाएंगे और गंगा को मुक्त कर देंगे? मेरा विश्वास तो यही कहता है श्री हरि कि गंगा आपके चरणों से विलग होकर अहंकारी हो गई, इसी कारण शिव जी ने उसे अपनी जटाओं में बांध लिया है। आप मुस्कुरा रहे हैं, आप तो जग के सृष्टा हैं और ये सत्य भी जानते हैं कि अहंकारी न तो किसी का उद्धार कर सकते हैं और न ही किसी का कल्याण। फिर भी गंगा को उद्धार कार्य के लिए पृथ्वी पर भेजा। पृथ्वी के लिए प्रस्थान तक गंगा में किंचित मात्र भी अहंकार नहीं था, किंतु शिवजी की जटाओं में पहुंचते पहुंचते उसका अहंकार जाग उठा। मेरे चरणों में वास करने वाली गंगा क्या अभिमानी हो सकती है? जो कुछ उसने किया और जिसका वो परिणाम भुगत रही है उससे तो यही सिद्ध होता है कि उसने कुछ नहीं किया। ब्रह्मदेव, मेरे चरणों से विलग होने के पश्चात और धरती के तल पर अवतरित होने से पूर्व शिवजी के मस्तक पर विराम करने का सौभाग्य और पूर्ण लाभ उठाने के लिए ललायत थी, ताकि पृथ्वी वासियों को पवित्र कर सके। गंगाधर और गंगेश्वर से गौरवान्वित होने वाले शिव जी के नाम में अपना योगदान करने के लिए उसने अहंकारी होने की लीला रचाई है। निरंकारी होकर ही तो कल्याणकारी हो सकती है। जिस सत्य का उद्घाटन आपने किया है उससे शिवजी तो परिचित नहीं है, चले उनके पास। शंकर, हे भोलेनाथ, आपने तो मुझे वरदान भी दिया था और कृपादान भी, फिर अब मैं आपकी अपरस
में क्यों हूँ भगवान, मुझ पर दया करो देवादिदेव, कृपा करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आश्चर्य, घोर आश्चर्य, गंगा उत्तरण हुआ ही और नहीं भी। नारायण नारायण। तुम बताओ नारद, तुम यहाँ क्या करने आए हो? मैं तो भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने आया हूँ। श्री हरि विष्णु, आप और ब्रह्मदेव यहाँ किस प्रयोजन से पधारे हैं? ये तो आप स्वयं ही जानते हैं भोलेनाथ। हम तो आपसे प्रार्थना करने आए हैं कि भगीरथ के प्रयत्न को सफल बनाए और गंगा को मुक्त कर दे। वो स्वयं मुक्त होना नहीं चाहती, अपनी लीलाओं में मुझे सम्मिलित कर मेरी जटाओं में आ बैठी है। किंतु वो स्वर्ग से यहाँ आपकी जटाओं में बैठने के लिए नहीं आई है भोलेनाथ। तो आप उसे ले जाएं पुनः अपने चरणों में बिठाने के लिए। अब तो ये भी संभव नहीं है, भगीरथ उसके पिता तथा पितामह का तप फलित होने का समय आ गया है। देवादिदेव, पापियों का उद्धार करने का कार्य भी गंगा ही करेगी। ऐसी स्थिति में न तो वो मेरे चरणों में रह सकती है और न ही आपकी जटाओं में। अब तो उसे पृथ्वी पर जाना ही होगा भोलेनाथ। कृपा करके गंगा को मुक्त कर दें देवेश्वर। हाँ भोलेनाथ, उन्हें मुक्त कर दें, माँ गंगा का दर्शन लाभ कराए भोलेनाथ। मैं तो स्वयं इच्छुक हूँ कि गंगा के भार से मुक्त हो जाऊं। मेरे भार से आप मुक्त कैसे हो सकेंगे भगवान? सारा जगत सदा आपको गंगाधर और गंगेश्वर कहता ही रहेगा। भगवान भोलेनाथ के नामों की संख्या क्या पहले कम थी, अब तो राजा भगीरथ ने उसमें वृद्धि कर दी है। आपके दर्शन पाकर मेरा और मेरे पूर्वजों का जीवन धन्य हो गया, माँ धन्य हो गया। और भविष्य में पृथ्वीवासियों का जीवन भी सफल होगा। नारायण नारायण। जाओ गंगा, भगीरथ का अनुगमन करके इसके पूर्वजों का उद्धार करो, पापियों का कल्याण कर भगीरथ के प्रयत्नों को सफल करो और भविष्य में ऐसी कोई लीला न रच डालना जिससे देवगण कहें कि शिव ने गंगा को सिर पर चढ़ा रखा है। मैं तुम्हें मुक्त करता हूं। ओ शिव जटा से गंगा धरती पावन करने, निकली ओ शिव जटा से गंगा धरती पावन करने, सबके मन के पाप को धोने, तन का संकट हरने। भगीरथ पूर्वज की मुक्ति तो माध्यम थी बस केवल, मूल कार्य था युगो युगो तक जग को करना निर्मल। आसुर शक्ति बढ़ ना पाए छल को करने निश्चल। सर्वप्रथम गौ मुख से चल के हरिद्वार में आई, आगे फिर प्रयाग के तट की शोभा आन बढ़ाई। रस बरसाती वाराणसी में ये काशी कहलाई।
काशी कहलाई, हर हर गंगे हो, जय जय गंगे हो, हर हर गंगे हो, जय जय गंगे हो। श्रद्धा भाव से जो भी प्राणी गंगा स्नान करे, गंगा माँ की महिमा गाए इसका ध्यान करे। भगीरथ जैसा फिर तो गंगा उसका भी कल्याण करे, उसका करे, हर हर गंगे हो, जय जय गंगे हो, हर हर गंगे हो, जय जय गंगे हो। निकली ओ शिव जटा से गंगा धरती पावन करने, निकली ओ शिव जटा से गंगा धरती पावन करने। सबके मन के पाप को धोने, तन का संकट हरने, हर हर गंगे हो,